मुझे नीतू पसंद है। देख नीतू तेरी होने वाली भाभी है और अजय की होने वाली पत्नी। अगर अजय को तुम्हारे और करण के बारे में पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। लगा कि तू नाराज होकर घर से गया है, लेकिन तू तो नीतू का खून करके गया था। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हाँ सविता जी, बस 5 मिनट में निकल रहे हैं। हाँ 1 घंटे में पहुंच जाएंगे जी। अजय, करण, अजय, अरे कितनी देर लग रही तैयार होने में, अरे जल्दी बाहर आओ। चलिए पापा जी। अरे क्या चलिए, ये करण अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? पता नहीं। करण, ये क्या, तैयार नहीं हुआ तो अभी तक? पापा मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, अब भैया की शादी करवाइए, मेरी चिंता छोड़िए। अरे क्या बकवास कर रहा है तू, अभी शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? देख अजय को, सालों से इसके लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, अब जाकर ही रिश्ता लगा है। अगर ये मांगलिक ना होता ना तो सालों पहले इसकी शादी हो गई होती और साथ में तेरी भी। इसी के चक्कर में तेरी भी शादी नहीं हुई। अरे वो तो शुक्र मनाओ सविता जी का, जो अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करना चाहती है। इसी चक्कर में तेरी भी शादी हो रही है। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने भाई की सोच, अगर तू ना करेगा ना तो इसकी भी शादी नहीं होगी। ये नानुकुर छोड़ और जाके तैयार हो गया जा। ये मेरा बड़ा बेटा अजय और ये छोटा बेटा करण। वैसे भाई साहब मैं आपको बता दूं, मेरी बड़ी बेटी नीतू पढ़ी लिखी है, दुनियादारी की समझ है, पर मेरी छोटी बेटी वो हमेशा मेरे साथ ही रही है, तो उसे ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं है, भोली सी है, कोई अगर जोर से डांट दे तो रो देती है। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो, ताकि नीतू श्रुति का भी ध्यान रख सके और आप सब लोग भी तो उसका ध्यान रखेंगे ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटियों को हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे आओ बेटा आओ। ये मेरी बड़ी बेटी है तनु, आइए श्रुति। आपकी दोनों बेटियां हमें पसंद है, अगर आप कहें तो रिश्ता पक्का कर दें। जी जरूर। ये ले, ये ले। बेटा इसे नहीं, श्रुति को पहनाओ, तुम्हारी शादी श्रुति से होने वाली है और ये मेरी बड़ी बेटी है नीतू, इनकी शादी अजय जी से होगी, इनकी कुंडली मैच हुई है। अजय अंगूठी पहना। अब श्रुति बेटा हाथ आगे बढ़ाओ। मुबारक हो भाई साहब, अब आप शादी की तैयारियां कीजिए। देखिए आप मुझे भाई साहब मत कह कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या है ना हम लोग भाई बहन थोड़े ना हैं। भाई साहब क्या कर अरे मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए भाई साहब बुरा मत मानिए, पर मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, तो अच्छा होगा आप आइंदा ऐसा मजाक मुझसे ना करें। तो नाराजी हो गई। ठीक है ठीक है, आज के बाद मैं आपसे ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप भी। हाँ।
अगले महीने की शादी की तारीख है, इसलिए अजय तू कैटरिंग वालों से और डेकोरेशन वालों से बात कर ले। ठीक है बाबू। और हाँ करण, तू कार्ड छपने के लिए दे दे। अरे क्या हुआ, रमो क्या लटका हुआ है? पापा मुझे शादी नहीं करनी। हीरो भाई राट? मुझे श्रुति पसंद नहीं है। क्यों, क्या कमी है उसमें? मुझे नीतू पसंद है। बस करण बहुत हो गया तेरा ड्रामा। देख नीतू तेरी होने वाली भाभी है और अजय की होने वाली पत्नी, और अब सगाई भी हो चुकी है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, समझ गया? अरे खुश रहा, खुश रहा। हाँ खुश रहा, खुश रहा। आज अगर सुषमा जिंदा होती तो सारी रस्में वो अच्छे से करवाती। अब मुझे रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, बस हाँ एक अंगूठी के रस्म के बारे में पता है, तो तुम लोग वही कर लो। हाँ, जो अंगूठी सबसे पहले निकालेगा वही जीतेगा। ठीक है, तो चलो शुरू हो जाओ। मुझे रिंग मिल गई। मुझे भी। अरे वाह, सॉरी भैया, वो मुझे लगा श्रुति है, ये गलती हो गई। आप वो आई एम सॉरी करण की तरफ से। एक बात पूछूं, आप इस शादी से खुश तो हैं ना? ये क्या कर रही हो आप? थक गए होंगे ना,
तो मैं बस आपके पैर दबा रही थी। कोई जरूरत नहीं है, सो जाओ। तुम्हारी बहुत याद आती है सुषमा, हमें अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता सुषमा। सोचा था शादी के बाद सविता के साथ अपना दोनों मिलकर मजे करेंगे। अरे सविता अपनी बहू की माँ, पर उसने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे उसको तो मेरा मजाक करना तक पसंद नहीं है, तो मजे क्या खाक करेंगे। तुम्हारी बहुत याद आती है सुषमा। तुम्हें पता है आज ना अपने दोनों बेटों की सुहाग रात है। अगर तुम होती हम भी अपना सुहाग रात मनाते। आपकी चाय। श्रुति मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल लगा दोगे तो आराम आ जाएगा। जी पापा जी, बस अभी आई। बुड्ढा नीतू टिफिन रेडी है। श्रुति हो गया, हो गया, जा तू जा। ये लीजिए। चलो फिर शाम को आता हूं। श्रुति थोड़ी सब्जी काट दो प्लीज। दी आज मैं खाने में बैगन की सब्जी और दाल बना दूं? सिर्फ दाल ही क्यों? तो इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हो ना, जब ससुराल वालों को भी अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाओगी तभी तो सब खुश होंगे तुमसे। हाँ आप सही कह रही हो दी, आज से ना मैं रोज स्पेशल खाना बनाऊंगी सबके लिए। चलो जल्दी से बनाओ। हाँ। नहीं मैं खुद ले लूंगा। पानी बोला ना नहीं, और तुम नहाई नहीं हो अभी तक? मैं तो सुबह 5 बजे ही नहा लेती हूँ। स्मेल आ रही है तुम्हारे शरीर से, जाओ जाके नहा के आओ। हाँ करण सही कह रहे हैं, तुम पहले जाकर के नहा लो फिर खाना बना लेना। ठीक है मैं नहा के आती हूँ। मुझे एक ग्लास पानी चाहिए था। तो खुद ले लो। हेलो माँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। ससुराल में सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं?
हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। और वैसे भी दीदी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ, और करण भी तो है, क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? करण मेरा ख्याल तो रखते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे खुश नहीं है। क्यों? वो मुझसे बात ही नहीं करते माँ, और रात को सो जाते हैं, और मुझसे पैर भी नहीं दबवाते। वैसे माँ, यहाँ पर है ना सब कुछ बहुत अच्छा है, बस आपकी बहुत याद आती है। आप जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है माँ, चलो मैं रखती हूँ। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं सर दबा देती हूँ। गला दबा दे मेरा। गले में दर्द हो रहा है, एक मिनट। क्या कर रही है? मैं बाम ढूंढ रही हूँ, इससे ना ये लगाओगे ना तो आपको आराम मिल जाएगा। हे भगवान, मेरा दर्द ठीक हो गया है। और एक बात बताओ, सारा काम हो गया आज घर का? कोई काम नहीं है करने को? हाँ बस कपड़े हैं ऊपर से लाने थे। हाँ तो जाओ लेके आओ, खड़ी क्या हो, जाओ। हाँ ठीक है। क्या करूँ मैं इसका? हमारी हरकतें आजकल बढ़ती जा रही हैं, कभी किचन में कभी डाइनिंग टेबल पर। लगता है अजय से शिकायत करनी पड़ेगी। तो अब तक की क्यों नहीं शिकायत? तुम पर ना तरस आ गया। तो फिर तो ये शिकायत और बढ़ती रहेगी। एक सेकंड, गेट बंद करके आता हूँ। दीदी आप यहाँ? हाँ ना, मैं तुमसे ही बात करने आई थी, पर तुम यहाँ थी ही नहीं, तो मैंने सोचा करण से बात कर लेती हूँ। मैं ये कपड़े लेने गई थी। वैसे बोलो ना, क्या बात करनी है? ओ, सूख गए कपड़े? हाँ। धूप में सूख गए? अरे यार, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है ना, धूप में सूखे हुए कपड़े पहनने की आदत नहीं है मुझे। मेरे कपड़े छांव में सुखाया करो। आपने बताया नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करो, इन कपड़ों को वापस अच्छे से धो लो और फिर छांव में सुखा लो, ठीक है? हाँ श्रुति, करण सही कह रहे हैं, तुम पहले जाकर के कपड़े सुखा लाओ, मैं जब तक यही इंतजार कर लेती हूँ, हम फिर बात कर लेंगे। हाँ जाओ जाओ जाओ। ठीक है। अरे श्रुति, ये क्या कर रही हो? ये कपड़े यहाँ क्यों डाल रही हो? वो करण जी धूप में सुखाए हुए कपड़े नहीं पहनते ना, तो इसलिए यहाँ सुखा रही हूँ। वैसे है कहाँ करण? वो अपने कमरे में दीदी के साथ। श्रुति, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सर दबा दोगी? जी बाबूजी। क्या हुआ? एक बात बताओ, मेरी तो माँ नहीं मानी, पर तुम तो पापा जी से कह करके हम दोनों की शादी की बात कर सकते थे, आज हम दोनों पति पत्नी होते। और तुम्हें क्या लगता है, मैंने कोशिश नहीं करी होगी? पर मेरे साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ, पापा नहीं माने। काश हम दोनों पति पत्नी होते। अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रुति को तो कोई टेंशन है ही नहीं, उसको तो जो कहो मान लेती है। तुम बस अच्छे भैया को संभाल लेना। वो तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तो बस हम दोनों का प्यार फिर इसी तरह परवान चढ़ता रहे। श्रुति, ये क्या हो रहा है? अरे सविता जी, ओ मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था तो श्रुति दबा रही थी, आपने तो अचानक आके सरप्राइज ही दे दिया। हाँ बैठिए ना, बैठिए। दी
देखो ना माँ ही है। माँ को भी अभी आना था। माँ नहीं है, कबाब में हड्डी है। चलो। अरे माँ नमस्ते, आप यूं अचानक? हाँ, तुम दोनों की याद आ गई तो सोचा चलो मिल लेते हैं। और बताओ दामाजी कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो मेरे कमरे में चलो। डरो मत। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर बात करनी थी तुमसे। अरे अजय के साथ तो सारा सारा दिन बात करती हो, मैंने देखा तुम दोनों को। बस वैसी बात मेरे साथ भी करो ना। पापा जी, आप ना मुझे श्रुति बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी, और बेहतर होगा कि आप मुझसे दूर ही रहें। सोच लो नीतू, अगर अजय को तुम्हारे और करण के बारे में पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? ठीक है, जाइए जाकर के अजय को सब बता दीजिए, फिर मैं भी उन्हें बता दूंगी कि आप श्रुति से कैसी कैसी मसाजे करवाते हैं। ये बात है पापा। अरे करण, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेरे सर में दर्द हो रहा था तो नीतू के पास बाम लेने आया था, लेकिन इसके पास तो बाम है ही नहीं। कोई बात नहीं, मेडिकल से ले लूंगा। हाँ मेडिकल से ले लूंगा। पापा का सरदर्द कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ गया आजकल? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा इनका। और श्रुति और माँ क्या कर रही हैं? पता नहीं यार, उन लोगों की बातें कभी खत्म ही नहीं होती। नीतू, अरे करण तुम यहाँ इस कमरे में? जी वो हाँ, मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैं बाम लेने आया था। तो मिल गई बाम? नहीं वो बाम है ही नहीं इधर, तो मैं मेडिकल से ले लूंगा। लगता है देवर भाभी आपस में काफी घुल मिल गए हैं। हाँ माँ, वो करण है ही ऐसे हसमुख। सविता जी, मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी यहीं रहो, वैसे भी वहां घर में आपका अकेला मन नहीं लगता होगा। हाँ माँ, पापा ठीक कह रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो चारधाम की यात्रा पर निकलने वाली थी, वो तो श्रुति का फोन आया कि उसे मेरी बहुत याद आ रही है तो मैं मिलने चली आई। भाभी आप भी बैठे ना, साथ में खाना खाइए। नहीं मैं बाद में खा लूंगी। अरे करण ठीक ही तो कह रहा है, बैठो तुम भी खा लो खाना, बैठो। श्रुति आओ बेटा, तुम भी खाना खाओ। अब आओ नीतू, तुम दामाद जी के बगल में बैठो, श्रुति को वहां बैठने दो। नीतू तुमने सुना नहीं, आओ यहां बैठो।
कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा यहाँ, और तुम अब आ रही हो। क्या करती, माँ और श्रुति की बातें ही नहीं खत्म होने का नाम ले रही थी। अब सोई हैं जाकर दोनों। यार तुम्हारी माँ है ना, राहु बनकर आई है हम दोनों के प्यार में। मिलन ही नहीं होने दे रही। तड़प तो मैं भी रही। तो फिर इस तड़प को यहीं मिटा देते हैं। नीतू, माँ शर्म नहीं आती तुम दोनों को? श्रुति ने मुझे बताया उन्हें उसे अब तक हाथ भी नहीं लगाया। या इसके साथ में रोमांस कर रहा है और तू ऐसी बहन है अपनी बहन की जिंदगी में आग लगा रही है। बस करो माँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे करण पसंद है और करण को मैं, लेकिन आपने मेरी शादियां जैसे करा दी, इसलिए जो अब हमें ठीक लग रहा है वो हम कर रहे हैं। इसलिए प्लीज माँ आप यहाँ से चली जाइए और हमें हमारी जिंदगी चैन से जीने दीजिए। माँ दिखाई नहीं दे रही। वो तो सुबह ही चारधाम यात्रा पर चली गई, 4 बजे ही निकल गई थी। करण छोड़कर क्या आया ना उन्हें स्टेशन। अरे ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? मैं तो सोच रहा था कि मैं भी घूम आता चारधाम। काश आपने पहले बता दिया होता पापा जी, तो आपको भी उन्हीं के साथ भेज देते। छुट्टी भी नहीं दिख रही है, उठी नहीं अभी तक। मैं देख कर आती हूँ। श्रुति, श्रुति। हाँ दीदी। अरे तो अभी तक सो रही है, तुझे पता है मैं सुबह ही चारधाम यात्रा पर चली गई, तब तू सो रही थी इसलिए उठाया ही नहीं। क्या हुआ, तू परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? सर में बहुत दर्द हो रहा है आज। अच्छा ठीक है, चल तू आराम कर, मैं आज खाना बना लूंगी, ठीक है? नीतू, मेरा टिफिन रेडी कर देना, मैं तैयार होके आता हूँ। हाँ ठीक है। तो देखिए 10 मिनट बस, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप वेट कीजिए बस, आया मैं। अरे आपका टिफिन। अरे पर टिफिन तो देने देते, पर कोई बात नहीं, आज उन्हें कैंटीन का ही खाना खाने दो। वैसे तुम्हें इतनी फिक्र कब से होने लगी भैया की, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया उनसे? प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ। सच्ची? मच्ची। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? अरे वो क्या है ना, अब मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर देना। मेरे ना आज सर में बहुत दर्द है, आप ना दीदी से करवा लीजिए मालिश। अरे पगली, अब तेरे हाथों में जो जादू है उसके हाथों में कहा, चल नखरे मत कर, जल्दी से मालिश कर दे, चल जा।
ठीक है मैं आई। नीतू, नीतू। यार फिर से हमारा मिलन कभी हो ही नहीं पाएगा क्या? ठीक है मोटू, तो पहले ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। चिल्ला मत। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। लेट जा चुका। अरे बहू है आपकी, बेटी समान है, शर्म नहीं आती क्या? कैसी गिरी हुई हरकत कर रहे हो? इतने गिर गए आप हैं? आप न्यूटन तो जान से मार देता। बाप के नाम पे कलंक आप। अरे बस भी करा चे, कितना सुनाएगा। हो गई गलती। थी हो गई ये गलती है? अरे हवस है आपकी, हवस, जवानी टूट रही है आप में है। और इतनी जवानी है तो शादी कर लेते ना पहले। बस करो भैया। तेरी बीवी है ये, इस आदमी ने इसका फायदा उठाया है और तू इसको बोलने की वजह मुझे चुप करा रहा है? शर्म नहीं आती क्या तेरे को? हैं? बाप का चापलूस हो गया क्या? सही गलत का फर्क ही नहीं कर पा रहा है। चुप करा रहा मुझे सब में ना, ये जो भी हुआ है इसमें तेरा भी हाथ है। अगर तू सही होता ना, इसका ख्याल रखता तो ये सब नहीं होता। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर इसको कभी भी कोई दिक्कत आई ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा, समझ गया क्या तू? अरे सब गिर गए यहाँ, टिफिन लाओ मेरा। जी आई। कहाँ खोई हो? कुछ नहीं बस ऐसे। अच्छा सुनो, श्रुति सो रही है और पापा भी सुबह घर से नाराज होके चले गए थे तो वो देर रात तक आएंगे। बहुत अच्छा मौका है, आज हमारा मिलन होकर रहेगा। के बारे में सोच रहा हूँ तो अभी मार मार कर घर से बाहर निकाल देता। देख मुझसे कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, निकल जाए यहाँ से, निकल यहाँ से। जीपू, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो बस मेरे से एक लफ्ज़ नहीं निकालना वरना जान से मार दूंगा। मैं जानता था तुम करण को पसंद करती हो, लेकिन इस कदर गिर जाओगी? हाँ, ये मैंने नहीं सोचा था। मेरा नहीं तो अपनी बहन के बारे में सोचती, उस मासूम के बारे में तो सोच लेती, पर तूने उसकी नहीं सोची तो मेरी क्या सोचेगी? इसी वक्त मेरे घर से निकल जा और मेरी जिंदगी से भी निकल निकल जा वरना जान से मार दूंगा। मेरी बात तो सुन लीजिए। काम करता हूँ मैं, इस घर से चला जाता हूँ और जब तक तू यहाँ से नहीं जाएगी ना तब तक दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगा, समझ? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? ये लाइट बंद करो और सो जाओ चुपचाप। भैया की बात को लेकर दुखी हो? वैसे अच्छा हुआ उनको पता चल गया। तुम जाओ यहाँ से प्लीज।
अरे ऐसे कैसे चले जाओ? मैं कहीं नहीं जा रहा, प्यार करता हूँ मैं तुम, तुम्हें ऐसे दुखी छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अच्छा मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। एक बार मैं समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, कहाँ ना जाओ यहाँ से। अभी मेरा मूड नहीं है और मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मुझ पे गुस्सा कर रही हो? अपने करण पर गुस्सा कर रही हो? मुझे पता है अभी हमारा मिलन नहीं हो पा रहा इस वजह से तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी तो कोई भी नहीं है ना। चलो अपना मूड ठीक करो प्लीज। निकलो यहां से, मैंने कहा निकलो। हट। करण करण, अरे करण सुन, अरे कहाँ जा रहा है? रुक करण। क्या भाभी? ज्यादा ड्रामा मत कर, मैंने सुना था तुम दोनों आपस में झगड़ रहे थे, मुझे लगा कि तू नाराज होकर घर से गया है, लेकिन तू तो नीतू का खून करके गया था। अरे अब जब गया ये तो वापस क्यों आया? टाइम है, चला जा इससे पहले। हेलो पुलिस। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स निकलवाओ, आस पड़ोस में भी पूछताछ करो। आप लोग कहाँ थे रात को? सर हम लोग घर पर ही थे, पर हमें पता नहीं चला कि सब कब हो गया। ये सर, ये मेरा छोटा बेटा करण और इसकी पत्नी श्रुति, वो मेरे बड़े बेटे अजय की पत्नी थी। आपका बड़ा बेटा कहाँ है? सर वो कल से घर नहीं लौटा, कल नाराज होकर घर से गया था, उसके बाद से वापस नहीं लौटा। नाराज होकर क्यों? वो करण और नीतू का अफेयर था, कल अजय ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था और वो इन दोनों पर बहुत गुस्सा हुआ था, उसके बाद नाराज होकर घर से चला गया और फिर अभी तक नहीं लौटा सर। क्या तुम्हारी पत्नी को पता था तुम्हारे इस अफेयर के बारे में? नहीं सर, तो बहुत भोली है सर। और इसी का फायदा उठाया तुम दोनों ने। अजय कहाँ मिलेगा? हाँ सर, ये सच है कि मैंने नीतू और करण पे गुस्सा किया था सर, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैं नीतू से बोल कर आया था कि जब तक वो उस घर में है मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा, लेकिन मैंने नीतू को नहीं मारा, मैं तो तलाक लेना चाहता था सर, मैं वकील से भी मिल लिया था। बस यही कहना चाहता हूँ, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने नीतू को नहीं मारा है। अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा होगा उसे? क्या करण ने मारा होगा उसे? करण ऐसा क्यों करेगा, वो तो नीतू को पसंद करता था सर। हो सकता है कि नीतू ने गिल्ट के कारण खुदकुशी कर ली हो। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि उसने खुदकुशी की है या उसका मर्डर हुआ है, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तुम पुलिस कस्टडी में रहोगे। अरे क्या हुआ, श्रुति कहाँ है? वो बस अभी आ रही है। अच्छा सुन, और कुछ महीनों के लिए इस शहर से दूर रहना जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, और हाँ मुझे कॉल भी मत करना, मैं हर महीने खुद से आकर मिलूंगा। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन मैंने भाभी को नहीं मारा। अगर तूने नहीं मारा ना तो जरूर राजा ने मारा होगा। आपको ये अचानक भैया से इतनी नफरत क्यों हो गई? अरे नफरत नहीं है, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, तू मेरा अच्छा बेटा है ना। वो अजय तो नालायक है, देखा नहीं उस दिन कितना सुना रहा था मुझे और तूने एक शब्द भी नहीं बोला। बेटा इसलिए मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, चल जा जा बेटा, आओ चलो। सर आप लोग, करण तू भाग भाग। पापा मैंने भाभी को नहीं मारा। सही कह रही है, इसने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? इसी ने मारा है नीतू को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला
कि नीतू के हाथ में किसी दूसरी औरत के बाल थे और इस घर में कोई दूसरी औरत है नहीं, इसलिए हमें यकीन हो गया कि इसी ने उसे मारा है। बताओ क्यों मारा तुमने नीतू को, बोलो। मैंने दीदी को इसलिए मारा क्योंकि उसने और इसने मिलके ना मेरी माँ को मार दिया और उनको गार्डन में दफना दिया। चेक करो। मुझे करण और दीदी के रिश्ते के बारे में पता था, यहाँ तक कि पापा जी को भी पता था, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं कितनी अकेली पड़ गई थी, एक मेरी माँ ही थी जो मुझे अच्छे से समझती थी और इसने मेरी माँ को मार दिया। नीतू, माँ शर्म नहीं आती तुम दोनों को? मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे करण पसंद है और करण को मैं, लेकिन आपने मेरी शादी जैसे करा दी, इसलिए जो अब हमें ठीक लग रहा है वो हम कर रहे हैं। इसलिए प्लीज माँ आप यहाँ से चली जाइए। तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं अभी सच सच सब दामाद जी को बता देती हूँ, वही तेरे अकल ठिकाने लगाएंगे। सॉरी नीतू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये हम दोनों को अलग करना चाहती थी, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। अब हम क्या करेंगे? इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, किसी और को दिख गया तो? तुम एक काम करो, मैं बॉडी को बाहर लेकर जाता हूँ, तुम स्टोर से फावड़ा लेकर आओ, गार्डन में दफना देंगे। मैं बहुत डर गई थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई, पर मैंने ना फैसला कर लिया था कि मैं इन दोनों को मारूंगी। इन दोनों को मारने का प्लान अलग अलग बनाया था। पहले मैं इस करण को ही मारना चाहती थी, लेकिन ये उस रात सो ही नहीं रहा था। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? ये लाइट बंद करो और सो जाओ चुपचाप। कुछ देर बाद मुझे सोया हुआ समझकर ये दीदी के कमरे में चला गया और फिर इन दोनों का कोई झगड़ा हुआ और ये वहां से निकल गया। उसके बाद दीदी के कमरे में गई। अरे श्रुति, तुम यहां पर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इस करण को भी मैं मार देती, लेकिन आप लोग आ गए। पर सर, सर आपने इसको छोड़ा मत, इसने मेरी माँ का खून किया। श्रुति के साथ मैं इन दोनों बाप बेटों को भी गिरफ्तार करूँ। इन सब के पीछे का जिम्मेदार यही है, अपनी हवस के चक्कर में इन्होंने करण और नीतू के नाजायज रिश्ते को अनदेखा किया, जिसकी वजह से सारा घर बर्बाद हो गया। सब आप किसी को ना दे भगवान, और सब भाई भी ले चलो इन्हें।